सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं भाई, कितना अजीब लगता है बाल काटने के बाद। लिटरली मतलब मैं अपने आपको पहचान नहीं पा रहा, इतना अजीब लग रहा है ऊपर से कैमरे में देखने में। एनीवेज गाइस, वेलकम बैक। तो मैं लौट आ चुका हूँ। मैंने कहा था मैं दो दिन में आऊँगा, मैं 20 दिन बाद लौटा हूँ, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, समझो भाई। लिटरली मेरे भी काम होते हैं, जो काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। लिटरली एनीवेज गाइस, वेलकम बैक टू एमनेसिया द बंकर। आज हम लोग इस गेम को खत्म करने वाले हैं, होपफुली। अच्छा, तो मैंने थोड़ा सा ऑफ कैमरा खेल लिया था ताकि मैं थोड़ा सा प्रोग्रेस कर सकूँ गेम में। अच्छा, तो इस गेम के खत्म होने के बाद अगर आपके पास कोई अच्छा सजेशन है, आई डोंट थिंक ये किसी को बताने का जरूरत है। लोग कमेंट में जाते हैं गेम लिखने के लिए, किसी को किसी चीज़ से मतलब नहीं। लोग जाते हैं कमेंट में जाके गेम को लिख के चले आते हैं, पता नहीं भाई इनका क्या दिक्कत है। लिटरली तो मैंने इस गेम को थोड़ा सा ऑफलाइन खेला था अपने आप, ताकि मैं एक दो बुलेट्स को डिस्कवर कर सकूं, और मुझे जो है 2-3 बुलेट्स मिले भी थे। अब जो है इस जगह में कुछ भी एक्सप्लोर करने के लिए रहा नहीं, मुझे जो है अभी कम्प्लीटली उस आर्सेनल में जाना पड़ेगा। यहाँ पर जो है हमें एक टनल में भी जाना पड़ेगा, जो कि फॉरबिडन टनल्स है, इन लोगों ने कहा था। और यहाँ पर हमें एक्सप्लोसिव स्टोरेज में भी जाना पड़ेगा, तो मुझे एक्सप्लोसिव स्टोरेज में फर्स्ट में जाना पड़ेगा आई गेस। सो मेरे पास अभी ये सब है, मुझे गैस मास्क मिल चुका था। मुझे नहीं पता मुझे एग्जैक्टली क्या क्या चाहिए वहाँ पर जाने के लिए। तो एक बैंडेज लेते हैं, एक फ्लेयर हम लोग लेंगे, एंड ये मुझे अभी नहीं चाहिए। बोल्ट कटर्स तो हम लोग जो है अभी एक गैस ग्रेनेड लेंगे। मेरे पास कोई ओरिजिनल ग्रेनेड नहीं बाय द वे। ऑलराइट, ये इनफ होना चाहिए। मेरे पास अभी एक फुल लोडेड पिस्टल है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल नहीं है एक्चुअली। मेरे पास 2 एक्स्ट्रा बुलेट्स भी है, मैंने ये और हाँ मैंने जो है ये पास सब कुछ छान मार लिया। इससे जो है मेरे पास यहाँ पर फुल ऑयल है बाय द वे, जो कि ज़्यादा देर तक चलेगा नहीं, तो मुझे इसको ऑन करने के बाद भागना पड़ेगा। नाइस, भागो। बस भागना बहुत ही रिस्की डिसीजन है। मैं जो है थोड़ा सा एक सेकेंड भागेंगे नहीं, भागने से जो है हमारा वो होता है, मॉन्स्टर हमें सुन लेगा। तो मैं फुली प्रिपेयर्ड हूँ, मुझे बस उस ग्रेनेड को लाना पड़ेगा जो कि हुआ था। यहाँ पर लाइट ऑफ क्यों है? अच्छा, मैंने लाइट ऑफ किया था ताकि मैं अपने पावर को बचा सकूँ जनरेटर के। आई डोंट थिंक यहाँ पर लाइट का ज़रूरत भी है, बट लेट्स सी। टनल्स में हम लोग जा रहे हैं बाय द वे। ये मेंटेनेंस टनल है, नीचे एक रोमन टनल्स था। उस रोमन टनल्स में जो है इन लोगों ने फर्स्ट टाइम किसी एक मॉन्स्टर को रिलीज कर दिया था, एंशिएंट मॉन्स्टर, जो कि अभी हमें हॉन्ट करता है इस बड़े से जगह में, बंकर में। बेसिकली हम लोग लास्ट बंदे हैं इस बंकर में, बट एनीवेज हम लोग अभी जाने के लिए तैयार है। हमारे पास अभी आर्सेनल का कोड भी है, जो कि हमें पहले मिला था लास्ट वाले वीडियो से। ये जगह बहुत ही बुरा है भाई। अबे नहीं भाई, नहीं प्लीज़, मुझे गैस मास्क लाना चाहिए था। मेरे पास गैस ग्रेनेड है, पर मैंने गैस मास्क नहीं लाया। ऑलराइट, वी आर रेडी टू गो। यहाँ पर एक ऑयल है, मैं इसे जाने के वक्त लूँगा, एंड नहीं मैं लेके ही चलता हूँ। इससे जो है मैं रैट्स को भगा सकता हूँ। मुझे कोड जानना पड़ेगा, एक सेकेंड। मेरा कोड क्या था? आर्सेनल कोड 7942। ऑलराइट, होपफुली ये मॉन्स्टर हमें ज़्यादा तकलीफ नहीं देगा। यहाँ पर 42, हियर वी गो। देख के चलना पड़ेगा, हम लोग ट्रैप्स में पैर नहीं रख सकते। जल्दबाजी हमें नहीं है, राइट? पता नहीं टनल्स में कितना क्या करना पड़ेगा, बट यहाँ पर एक और ऑयल ले लेते हैं। क्या जाता है, निकलेगा क्या ये बंदा? बहुत हलचल मचा रहा है, निकलने वाला है जैसे। लाइट भी बहुत कम है, ये पर मैंने लाइट जलाया था भाई दो, जनरेटर के बिना पता नहीं होता क्या यहाँ पर। ओ माय गॉड, नहीं नहीं, ये पर एक होल है। क्या है ये? मीट मुझे नहीं चाहिए। ओ नहीं, ओ माय गॉड, वो कहीं पर निकल चुका है बाय द वे। लाइट को बुझाओ। एक ग्रेनेड प्लीज, एक ग्रेनेड। अगर ये मुझे देखता है तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं बुलेट को वेस्ट नहीं करना चाहता इसके ऊपर। ये पर मत आना प्लीज। आएगा भाई, एटलीस्ट इस गैस से जो है यहाँ पर नहीं आएगा कुछ टाइम के लिए। ओ नो, यहाँ रैट्स है, मुझे रैट्स को भगाने के लिए वो मीट चाहिए। मैंने पता नहीं गैस ग्रेनेड का यूज़ क्यों किया, अब जो है मैं उस मीट को भी नहीं ले सकता आई गेस। मुझे अपने गैस मास्क को लाना चाहिए, मुझे पता ही नहीं था यहाँ पर रैट्स मिलेंगे। और अगर मैं रैट के ऊपर ऑयल डाल के एक बुलेट फायर करता हूँ, उससे जो है रैट्स भाग जाएंगे, पर एक बुलेट कर बर्बादी, पर उस साउंड से जो है वो आएंगे। मेरे पास ये है फ्लेयर बाय द वे, अच्छी बात है मैंने फ्लेयर को रखा था। होपफुली साउंड से वो नहीं आएगा। कोट दे दो, कोट दे दो। यहाँ पर इसके पास कोई कोट नहीं? हाँ, कोई कोट नहीं। नाइस, यहाँ पर है क्या देखते हैं। मुझे ग्रेनेड चाहिए एक्चुअल वाला। ओके, यहाँ पर एक और होल है,
अबे यार ये खुलता क्यों नहीं? निकलेगा भाई निकलेगा। मेरे पास अगर एक ग्रेनेड होता तो मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होता। प्लीज मत निकलना भाई, एक और बुलेट मिल गया। निकलेगा भाई मुझे पता था। फ्लैश लाइट को छुपाओ। इतना क्यों एग्रेसिव है पर इसे पता है जैसे मैं यहाँ पर हूँ। मुझे बस ग्रेनेड TNT लेके निकलना है इससे। कैसे पता नहीं कब जाएगा ये। मेरे पास कोई डिफेंस रहा नहीं बस अपने गन के अलावा। पर ये गन का एमो मैं वेस्ट नहीं करना चाहता। पता नहीं फ्यूचर में कितना कुछ करना पड़ेगा इस गन के एमो के साथ। चला जा भाई प्लीज चला जा। मुझे रैट्स के बारे में थोड़ा सा सोच के जो है ऑयल के साथ लाइटर को भी लेके आना चाहिए था। मैंने लिटरली लाइटर, मुझे हमेशा अपने साथ लाइटर कैरी करना चाहिए। ये मैं देख रहा हूँ स्पेशली रैट्स के लिए मुझे हमेशा लाइटर कैरी करना चाहिए। इसने मुझे नहीं देखा राइट, बिल्कुल मेरे सामने खड़ा है। बाय द वे चला गया क्या? नहीं लाइट तो अभी भी ऐसा हो रहा है, मतलब ये गया नहीं अभी तक। ये फिर गया, मुझे इसका साउंड नहीं आ रहा। और अच्छा चला गया। अबे यार इसके अंदर है क्या? ये खुल क्यों नहीं रहा? अबे यार रैट्स भाई रैट्स, नहीं 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 रैट्स आ जाएंगे ये, पर मुझे जल्दी से निकलना पड़ेगा। वो बॉक्स मुझे पता नहीं क्यों नहीं खुला, पर शायद कोई उसे ब्लॉक कर रहा था। कितने सारे होल्स देखो बस। एक क्लॉथ, इससे पता नहीं मैं करूँगा क्या। ट्रैप्स का ख्याल रखना पड़ेगा हमें, अंधेरे में मैं ट्रैप्स को मिस करने वाला हूँ। लाइट जलाना बहुत ही पेनफुल है। मेरा लिटरली दिल धड़क रहा है। मैंने इतने हॉरर गेम्स खेल लिए पर ये पर जो एंटिसिपेशन होता है वो जान ले लेता है लिटरली। मेरे पास कोई डिफेंस नहीं, गन है पर कुछ ज़्यादा खास काम नहीं आता। सामने चले नहीं, अपने एक ब्रिक है, पता नहीं कौन से दरवाजे को हमें तोड़ना पड़ेगा। दरवाज़ा तोड़ना मतलब ये आएगा गारंटी है। धीरे भाई जंप। कहाँ से निकलेगा भाई? निकलना मत बस। क्या मुझे इसके ऊपर जाना पड़ेगा? निकला कहीं से, मैं इसके नीचे छुप सकता हूँ एक्चुअली। ये नहीं निकला ये, अच्छा आई थिंक ये नहीं निकला अभी तक। तो हम लोग एक काम करते हैं, धीरे से धीरे से धीरे भाई जंप। अच्छा यहाँ पर भी एक जंप के लिए है जहाँ पास हम लोग लौट सकते हैं। ओह नो ट्रैप में, मुझे अपने बोल्ट कटर को लाना चाहिए था भाई। अगर मैं इस पर मिस करता हूँ क्या है यहाँ पर? ग्रेनेड, या अगर मुझे एक ग्रेनेड मिल जाता या फ्लेयर है मुझे नहीं पता। ऑलराइट नाइस, यहाँ पर एक और होल, फैंटास्टिक। तो हम लोग पता नहीं कहाँ पर जा रहे हैं। ये क्या है? ये गैस क्या काम करता है मुझे नहीं पता। एक काम करते हैं, गैस को जो है हम लोग अपने दरवाजे के सामने रखते हैं जस्ट इन केस। पर आई डोंट थिंक गैस से मैं कैसे बचने वाला हूँ, मेरे पास कोई गैस मार्क्स नहीं। दरवाजे में लॉक नहीं, बाय द वे। अच्छा ये रहा, इससे मुझे लेना था। फाइनली मेन काम हुआ भाई, इसको हमें फर्स्ट से लेना था। अब हम लोग एंडिंग के बहुत करीब है। ये क्या स्टिक, ये बात में काम आएगा। इससे मैं जो है एक टॉर्च बना सकता हूँ। मेरे पास कितने सारी चीज़ें थे मैं जिसे बना सकता हूँ, पर मैंने जो है लाइटर नहीं लाया। एक और क्लॉथ मिल गया, ये बात में काम आएगा आई गेस। या फिर नहीं 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 नहीं, मुझे लाइट नहीं जलाना था। अच्छा आई थिंक अब ये जा रहा है जहाँ पर भी था ये। आई थिंक एक होल के सामने वेट कर रहा था मेरा। वी आर वी रेडी टू गो नाउ? नहीं अभी भी वो पर है क्या? उस होल से ये धुआं क्यों निकल रहा है मुझे नहीं पता। आएगा भाई आएगा ये बंदा। यहाँ पर एक दरवाजा भी है जिसे मैं तोड़ सकता हूँ। मैं निकलता हूँ इस जगह से, और कुछ नहीं है ये पकड़ने के लिए। ये क्या खुलेगा? नहीं, ये तोड़ने वाला दरवाज़ा, इसके अंदर है क्या? एक ग्रेनेड मिलता तो अच्छा होता। यहाँ पर एक बॉम्ब था, नहीं फ्लेयर है, यहाँ पर नहीं गैस ग्रेनेड है यहाँ पर।
धीरे से लाइट को रिचार्ज करेंगे हम लोग। निकलेगा भाई ये बंदा, अभी निकलेगा। कहाँ से? ओ बिल्कुल मेरे मुंह के सामने है, मैं छुप सकता हूँ, मैं मुझे बुलेट वेस्ट नहीं करना। ये ला पागल बंदा भाई, लिटरली इसने बॉम्ब सेट कर दिया। अच्छी बात है एक्चुअली, सब कुछ तोड़ सकता है। देखा इसने एक बॉम्ब पे पैर रख दिया, आई गेस तोड़ फोड़ के निकल रहा है। देखो अच्छी बात है, मैं उस रास्ते से जा सकता हूँ। अबे यार एक और बॉम्ब फोड़ दिया, पागल, इतना पागल कैसे हो सकता है एक बंदा। इसके गुस्से ने इसको मार दिया भाई। घर चला जाओ भाई, मैं भागने वाला हूँ। एक्चुअली भागना बहुत ही रिस्की डिसीजन होगा, ये कुछ टाइम बाद ही आ जाएगा। इसको हील करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, देख के लगता है। मैं आया कहाँ से था, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ अभी। यहाँ पर गैस लीक हो रहा है, उसने शायद गैस के उसको तोड़ दिया। अबे यार मैं जा नहीं सकता इस गैस की वजह से अभी। ऑलराइट, तो मुझे वेट करना पड़ेगा जब तक ये गैस नहीं जाता। क्या मैं वहां से आया था? अच्छा मैं यहाँ से आया था। इसने इस जगह को इतनी पूरी तरह से तोड़ दिया, मैं कंफ्यूज हो गया मैं कहाँ से आया था। ये पर ऑयल है बाय द वे, नहीं क्लोथ है ये एक, मैं जो है इसको लेता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। मीट से मैं क्या ही करने वाला हूँ। धीरे से निकलेंगे, ऑफकोर्स वो डैमेज हुआ है अभी अभी, तो कुछ टाइम बाद आएगा वो हील होके। अच्छा टनल, मुझे एक बार टनल्स को देख, नहीं मुझे पता है टनल्स में क्या करना पड़ेगा हमें। मुझे बोल्ट कटर चाहिए टनल के लिए। ऑलराइट, तो हमारा मिशन सक्सेसफुल था अभी तक, हम लोग नहीं कह सकते अभी तक मैं घर तक पहुंचा नहीं। अभी मैं भाग सकता हूँ एक्चुअली, पर मैं भागूंगा नहीं, बहुत ऑयल वेस्ट हो गया। पर एटलीस्ट मुझे दो ऑयल के कैन मिल गए, पर आई थिंक उससे ज़्यादा वेस्ट हो गया, तीन या चार ऑयल के कैन तो वेस्ट हो चुके होंगे अभी तक। ये रहा हमारा घर, कोई नहीं घर के अंदर। राइट, यहाँ पर एक होल क्यों है मुझे नहीं पता मेरे घर के अंदर। आई मीन सेफ रूम, कोई रूम सेफ नहीं इस गेम में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जाके उसको ऑफ करेंगे। कितना ऑयल बचा? देखा लगभग ख़त्म हो चुका है। दो ऑयल को हम लोग डालेंगे जो कि हमें मिला। जैसा कि आप लोगों ने देखा मैंने दो ऑयल बैल्स को डाल दिया जो कि मुझे मिला था। मैं अभी जो है लॉस में रन कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो हम लोग चेन कटर्स को लेंगे एंड देन मैं लाइटर को भी लूँगा क्योंकि अंधेरे में मुझे जो है फ्लेयर नहीं चाहिए देन। ऑलराइट, तो गैस ग्रेनेड क्या मैं लूँ? आई डोंट थिंक ये ज़्यादा कुछ काम आता है। एनीवेज एक और ऑयल को हम लोग फिल करेंगे नीचे, पता नहीं कहाँ पर जाना पड़ेगा हमें, पाताल में। आई डोंट थिंक टनल में हमें लाइट मिलेगा, ये लोग कह रहे थे रोमन टनल्स में जाने के लिए। एक सेकेंड, द डेटोनेटर हैंडल इज समवेयर डाउन इन द रोमन टनल्स डीपर इन हेल, आई गो नाउ टू ट्राई टू रिट्रीव देम बोथ। अच्छा इस, ये मैंने पहले भी पढ़ा था इस नोट को। इस नोट का सिंपल मतलब है हमें बहुत नीचे जाना पड़ेगा। मैं जनरेटर ऑन करके आया, मुझे नहीं पता कितने देर तक हमें इस बंकर में और रुकना पड़ेगा, बट आई डोंट थिंक अच्छे से हमारा काम होने वाला है, देख के लगता नहीं। पर मेरे पास अभी बुलेट है एक्चुअली, तो हम लोग एक या दो बार बच सकते हैं उससे। मैंने सब कुछ ले लिया। राइट, नाइस। सो एक और बैंडेज लेके चलते, नहीं मुझे बैंडेज मिल, आई डोंट नो, लेके चलते हैं बस। अच्छा तो हमें जो है कहाँ पर जाना पड़ेगा, एक सेकेंड, ये रहा नो टनल्स, यहाँ पर हमें जाना पड़ेगा। यहाँ पर एक टनल था जो कि इन लोगों ने बनाया था जर्मन्स के ऊपर एक सरप्राइज अटैक करने के लिए, पर ये काम आया नहीं कभी। मैं यहाँ पर आ चुका हूँ ऑलरेडी, पर मेरे पास पहले ये चेन कटर नहीं था, अभी मेरे पास जो है चेन कटर्स है। ऑलराइट, हम लोग चले नर्क में जी, जहाँ से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ है बेसिकली। अबे यार खुल जा। तो ये पता नहीं इससे होता क्या है, लेट्स सी। एक और जनरेटर, इससे कुछ नहीं होता आई गेस। नहीं भाई एमनीसिया में पानी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, पता नहीं कौन सा चीज़ यहाँ पर है। क्या मुझे जंप करना पड़ेगा? अच्छा ये जनरेटर नहीं, ये पंप है। राइट, हाँ ये एक पंप है, तो इससे जो है हम लोग पानी को निकाल सकते हैं, पर इसको चलाना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। पानी में मुझे नहीं उतरना, गन लो बस। अबे नहीं नहीं नहीं, मुझे पानी में नहीं रहना। मैं क्या, कोई है यहाँ पर? अच्छा नहीं, इन लोगों ने इस बार ये नहीं किया। एमनीसिया द डार्क डिसेंट में पानी बहुत इन्फेमस था, वो पर पानी में जो एक मॉन्स्टर था भाई पागल कर दिया। फाइव नाइट्स एट फ्रेडी सिक्योरिटी ब्रिज रुइंस में भी जो है मॉन्टी के साथ उन लोगों ने ये काम करना चाहा। ओह इतना भी डरावना नहीं था।
अच्छा तो क्या हो रहा है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर लास्ट टाइम जो है सब लोग डर के भाग गए थे, जब सब लोग भागे थे तब यहाँ पर इन लोगों ने एक एक्सप्लोजन किया था ताकि ये टनल हमेशा के लिए बंद हो जाए। वहाँ से जो है पानी लीक हो चुका है इस सही के अंदर। वेट व्हाट, अच्छा नहीं हो गया ना, मैं तभी डर गया, क्यों नहीं हुआ ये, बहुत साउंड है भाई, जल्दी पानी ख़त्म हो जाए बस। नाइस, तो हम लोग बस अभी इसको ऑफ करेंगे जल्दी से एंड निकलेंगे इससे। किससे कुछ है देखने के लिए पानी के बाद? लूट नहीं, कोई लूट नहीं, ये मुझे ब्लॉक कर रहा था पहले। अबे हट जा भाई, और डेट हमें सामने जाना पड़ेगा, लेट्स गो। हटाओ इसको, अच्छा भाई, अबे यार लिटरली ब्लॉक करके रखा है ताकि कोई अपना ना आ जा सके। सोल्जर्स इतना डर रहे हैं देखो बस। अच्छा अगर आपको नहीं पता तो ये बंदे जो है वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ रहे थे बाय द वे। इन लोगों को एक इतना डरावना चीज दिखा जिससे ये लोग डर के भाग गए। सोचो बस एक नॉर्मल बंदे का क्या होगा। मेरे सामने एक लाइट है फॉर सम रीजन। वेट, यहाँ पर हुआ क्या था, एक सेकेंड। नोट टू फ्रॉम जोवर टू रेनर्ट, आवर मैड क्लासेस इज स्ट्रक अगेन। नॉयर हैज फिल्ड रिपोर्ट क्लेमिंग दैट द रोमन्स यूज्ड दिस टनल टू होल्ड सैडिस्टिक बैच। ये क्या चीज़ है पर मुझे नहीं पता, मैंने इस वर्ड को कभी नहीं पढ़ा। ग्रेट फेस्टिवल्स ऑफ क्रूएल कॉम्बैक टॉर्चर एंड वर्ड एंड वर्ड्स फादर ही सेज दिस वॉज ऑल हेल्ड इन एन अरीना ओवर ए ग्रेट पिट एंड एनी हु फेल इन टू इट फेल इन टू स्क्रीमिंग डार्कनेस हिज वर्ड्स व्हाट ए पोएट। I've been in the tunnels, their tunnels full stop, recommended surveillance or in Neuer। अच्छा तो इनको लगा Neuer जो है पागल हो रहा है या फिर Neuer किसी को डराना चाहता है। जो बट ये जो है सर्जेंट था आई गेस, तो इन लोगों को लगता है ये लोग फालतू की बातें करते थे, देन इन लोगों को पता चले गया आई गेस ये लोग भाग गए खुद ही। ये पर ये क्या है, सेफ पॉइंट, व्हाट क्यों भाई सेफ पॉइंट, क्या यहाँ पर कोई बॉस फाइट, व्हाट द हेल इज दिस, किसी की आँखें है क्या ये, पर ऐसा कैसे हो सकता है, आई मीन हाँ ये किसी की आँखें है भाई, किसने अपनी आँखें निकाल दी यहाँ पर। यहाँ पर ये बॉटल्स भी है फॉर सम रीजन। एक और नोट, लेट्स सी, हैड टू सी व्हाट द डार्क हेल्ड हैड टू नोयर फेवर ऑल ऑफ देम, दे डोंट हैव द राइट काइंड ऑफ आइज, देयर इज अ वर्ल्ड डाउन हियर फुल ऑफ सेडक्शन एंड सीक्रेट्स एंड माय आइज आर राइट फॉर इट, नेवर माइंड दैट दे चैट मी डाउन हियर। ये कौन सा बंदा है भाई, किसका नोट मैं पढ़ रहा हूँ, एक सेकेंड। अच्छा ये नाम मैं प्रोनाउंस नहीं करना चाहता, मैं नाम को बिगाड़ दूंगा, टोसियंट्स मैडनेस। टोसियंट जो बंदा है इसको इन लोगों ने ट्रैप करके रखा था नीचे फॉर सम रीजन। आई हैव सीन ए विजन ऑफ ए गॉन वर्ल्ड, ब्लडी एंड टेरिबल, ब्यूटीफुल एंड ऑफुल, गॉडली एंड इन्फर्नल, ऑल अराउंड मी वॉइसिस द पास्ट क्लॉइंग स्पिनिंग रिलिंग, आई डोंट नो व्हाट दे वॉन्ट, आई डोंट नो व्हाट दे वॉन्ट, दे हैव टू स्टॉप इट, आई कांट सी इट एनी मोर, इट टैक्स मी विथ व्हाट आई डू नॉट नो, प्लीज गॉड अबव, If you ever were there, end this. Give me some way to end this. I see it now. Continue. अच्छा तो पता नहीं, अच्छा ये जो बंदा था इसने अपने आँखें निकाल लिए फॉर सम रीजन। क्या देख रहा था भाई ये बंदा, आई थिंक पागल हो गया ये बंदा किसी चीज़ को देख के। पता नहीं क्या है इस रोमन टनल के अंदर। हम लोग चले, हेनरी हमारा नाम, लास्ट बंदे हम लोग इस बंकर में, टनल को सर्च करना हमारा काम। क्या है हमारे पास, एक पिस्टल जो कि किसी काम का नहीं, 6 बुलेट है हमारे पास, और एक गैस ग्रेनेड, नहीं गैस ग्रेनेड भी नहीं, नाइस। अच्छा मैं जो है यहाँ पर इसको इसलिए लाया था टनल्स में जाने के लिए। यहाँ पर इस सामने ब्लू कलर का ग्लो मुझे बहुत पहचाना सा लग रहा है फॉर सम रीज़न। रोमन टनल्स भाई, पता नहीं कौन सी सदियों पुरानी चीज़ को इन लोगों ने खुला छोड़ दिया। वेट एक सेकेंड, मैं जो है इसको 3 में सेट करता हूँ, मैं सेट ही है। अच्छा एक सेकेंड, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये जो फ्लाइंग स्टोन था ये जो है एमनीसिया रिवर्थ में था, राइट? हाँ एक्चुअली हाँ ये सेम चीज़ है। तो वेट व्हाट, ये कैसे सेंस बनाता है मुझे समझ नहीं आता। एमनीसिया रीबर्थ जो है अल्जीरिया में सेट था, ये पर कैसे आ सकता है, हम लोग अभी फ्रांस में हैं। अच्छा एक सेकेंड, ये पर बहुत कुछ अलग है, ये कोई रोमन टनल नहीं देन आई थिंक। देखा इन लोगों को कभी ये सब नहीं देखा, ये क्रिस्टल जहाँ से लाइट पड़ने से धूप मतलब धुआं निकलता है, या लाइट ना भी पड़ने से धुआं निकलता है, आई डोंट नो। पर ये जो है एक अलग रेल में जाने का रास्ता है जहाँ पर तासी गई थी। अगर आपको एमनीसिया रिवर्थ पता है तो आपको पता होगा तासी के पास जो है एक ट्रैवलर वॉच था जिससे जो है ये
यहाँ पर एक पोर्टल खोल सकती थी, पर हमारे पास वो ट्रैवलर वॉच नहीं है। तो फ्रेंच सोल्जर्स ने जो है एक पता नहीं कौन से रेलम का दरवाज़ा खोल दिया। यहाँ पर जो है वो गूल मिलते थे हमें, पर यहाँ पर कोई मॉन्स्टर नहीं था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। एमनेस्टिया रिवर में इतना बड़ा मॉन्स्टर नहीं था, वो पर गूल थे। पर इन लोगों को कभी ये वाइब्रेटिंग रॉक्स नहीं मिला। यहाँ पर लिटरली एक पोर्टल है, अगर मेरे पास एक घड़ी होता तो मैं इसके अंदर से जा सकता। वेट, व्हाट द हेल भाई, यहाँ पर कोई जिंदा है? नो वे, यहाँ पर कोई एक इंसान यहाँ पर जिंदा नहीं हो सकता। यहाँ पर एक इंसान कैसे जिंदा हो सकता है? यहाँ पर कुछ और है भाई, मुझे प्रिपेयर रहना चाहिए। ओह माय गॉड, मैं नीचे गिर गया। कुछ है मेरे सामने, एक सेकंड। कोई है भाई मेरे साथ यहाँ पर? यहाँ पर भी कोई है, मुझे दोनों साइड से आवाज़ आ रही है। यहाँ पर लिटरली एक इंसान का वॉइस है। मेरे पास कोई ग्रेनेड नहीं, मैंने यहाँ पर एक ग्रेनेड नहीं लाया, देखो। तो मुझे करना क्या है, इसके साथ बात करना है? आई डोंट थिंक यहाँ पर कोई जिंदा रह सकता है। कौन इतना सिंगिंग कर रहा है भाई? यहाँ पर एक गैस है, देखा आप लोगों ने? ओके नहीं, यहाँ पर एक बंदा है भाई जिसके पास एक गन है, एक रियल इंसान है यहाँ पर। व्हाट द हेल, पता नहीं क्या बोल रहा है ये बंदा। आई थिंक ये वही बंदा है टू सी एंड, पागल हो गया था जो कि क्या किया इसने यहाँ पर। आई थिंक ये इसने नहीं किया। यहाँ पर एक फ्रेश स्केलेटन है, कोई में कोई गन एम कर रहा है बाय द वे। आएगा कोई मेरे सामने? ओह माय गॉड, कोई भाग रहा था, एक सेकेंड। मैंने इसको शूट किया बाय द वे। यहाँ पर एक बंदा नहीं, आई थिंक यहाँ पर बहुत सारे बंदे हैं। कोई भाग गया मेरे साइड से, मुझे दिखा नहीं एक्चुअली। मैं क्या पागल हो रहा हूँ इस जगह के अंदर क्या? आई थिंक मैं ये पागल हो रहा हूँ इसके साथ। ये इंसान है भाई, कोई मॉन्स्टर शॉटगन का यूज़ नहीं करता। आई थिंक एक काम करते हैं, मैं जो एक बॉटल को थ्रो करता हूँ। आएगा क्या यहाँ पर? एक सेकेंड, कुछ हुआ, मैंने कुछ किया क्या? मुझे इसको मारना था क्या? मैं इसके साथ बात नहीं कर सकता था? पर ये शॉटगन था इसके पास। एक सेकेंड, अभी भी मुझे फुटस्टेप्स क्यों आ रहे हैं बाय द वे? इसके पास क्या था? शॉटगन। ओ माय गॉड, गेम के एंडिंग में मुझे शॉटगन मिला, थैंक यू सो मच। तो मेरे पास कितने एमो है, एक सेकेंड, मेरे पास एक भी एमो नहीं ना, इसका फ़ायदा क्या हुआ देन? अच्छा, शॉटगन मुझे मिला बिना एमो के, तो आई थिंक ये बस एक स्टोरेज को भरने का ऑप्शन है और कुछ नहीं। तो ये बंदा क्या था, एक सेकेंड, इसके पास आँख था क्या? नहीं, इसके पास देखो आँख में एक पट्टी है, मतलब ये बंदा है टोस्टी एंट। इसके आँखों को इन लोगों ने निकाल दिया और ये नीचे पागल हो गया। पर मैं एक बात को कंफर्म कह सकता हूँ, यहाँ पर मुझे किसी और का भी फुटस्टेप्स आ रहे हैं। क्या मैं पागल हो रहा हूँ? मेरा बंदा शायद पागल हो रहा है यहाँ पर इस गैस में। एक बुलेट, ग्लास बॉटल मुझे नहीं चाहिए। दरवाज़ा लॉक्ड है, मुझे इस दरवाज़े को तोड़ना पड़ेगा। ये कोई रोमन है? आई डोंट थिंक ये कोई रोमन है, ये कोई अलग चीज़ है भाई। अगर ये एमनेसिया रिबर्थ वाला थ्योरी को वापस से लगाएंगे तो ये रोमन नहीं। मैं इस तोड़ सकता हूँ इस दरवाजे को इस बैल के साथ, पर इससे बहुत साउंड होगा। आई डोंट थिंक वो मॉन्स्टर यहाँ पर आएगा, पर ये मॉन्स्टर जो है इस टनल से आया है। आई डोंट नो कैसे नहीं आ सकता। अच्छा, मैंने दो बुलेट फायर किया जिससे वो मॉन्स्टर नहीं आया, तो आई थिंक वो यहाँ पर नहीं आएगा। वन टू थ्री, अगर आता है तो हम लोग देख लेंगे। मेरे पास एमो है उसको भगाने के लिए, पर मैं यहाँ पर इतना सारा एमो वेस्ट नहीं कर सकता। लिटरली मैंने तीन बुलेट्स को वेस्ट कर दिया। तीन बुलेट को ढूंढने में जो है पता नहीं कितना टाइम लगता था। यहाँ पर इसके अंदर कुछ है?
अच्छा ये पर लॉक डोर है, खोलो इसको। अभी इस लाइट से थोड़ा सा दिख रहा है एक्चुअली ये क्या है। अच्छा ये रहा डेटोनेटेड हैंडल, तो मुझे यहाँ से लेना था एक्चुअली। सब कुछ मिल गया देन हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। अभी एक क्या है, पॉकेट बैग मिल गया, थैंक यू। मुझे बैंडेज नहीं चाहिए, थैंक यू। एक ग्रेनेड दे दो भाई, मेरा लाइट मतलब टॉर्च बुझ गया। एक और बैंडेज चाहिए यहाँ पर। शॉटगन मेरे पास लिटरली एक भी शॉटगन का बुलेट नहीं है, मैंने पूरा गेम खेल लिया। ये पर और कुछ है देखने के लिए? ये पर लाइट आ रहा है, आई थिंक ये बाहर चलने का शॉर्टकट है। हटाओ इसको, लेट्स सी बाहर एक्चुअली है क्या, ये रास्ता हमें कहाँ पर ले जाता है, कई हमारे जाने का रास्ता है। मुझे लगता है ये मॉन्स्टर के जाने का रास्ता है, तो क्या हम लोग उसके घर में जाके निकलेंगे? आई डोंट नो, लेट्स सी। एक सेकेंड, नहीं हम लोग, एक सेकेंड वेट, हम लोग यहाँ पर पहले आए थे राइट। बाहर अभी भी वॉच चल रहा है, देखो लाइट को ऑफ करो। यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं, देखा लिटरली ये पत्थर फ्लोट हो रहे हैं। यहाँ पर हम लोग एक बार आए हैं मुझे लगता है लैम्बर्ट को बचाने के लिए। अच्छा एक सेकेंड, हाँ हम लोग लैम्बर्ट को यहाँ पर बचाने आए थे। ये रहा ऑगस्टिन लैम्बर्ट का कोट, इसलिए जो है ये कोट मुझे पूरे गेम में कहीं पर नहीं मिला। ये क्या चीज़ है, रैबिट टॉय, स्टफ्ड रैबिट टॉय माइट हैव सेंटिमेंटल वैल्यू टू समवन, कैन बी थ्रोन। वेट व्हाट, ओके मुझे इस जगह से एक सेकेंड। अच्छा ये लोग कहना चाहते हैं ये रैबिट जो है लैम्बर्ट का है, मुझे समझ आ गया, पर एक्चुअली बहुत ही अजीब बात है। तो हम लोगों ने इसको यहाँ पर ला के पानी पिलाया था, क्या हम लोगों ने इसको ये पानी पिलाया था? नो वे, यहाँ पर एक बॉटल भी आई थिंक इन लोगों ने दिखाने के लिए रखा है। हम लोगों ने इस पानी को उसको पिला दिया भाई। एमनीसिया रिवर पे जो है इस पानी को पीने से लोग गूल बन जाते थे, पर लैम्बर्ट तो गूल नहीं बना, लैम्बर्ट है ही नहीं इस गेम में। अगर वो गूल बनता तो हमें दिखता एक्चुअली, पर नहीं ये कुछ नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर वो इस पानी को पीता देन एक गूल बनता देन हम लोग समझ सकते हैं हाँ लैम्बर्ट ने इस पानी को पिया है या हम लोगों ने उसे पिलाया है। बट एनीवेज लेट्स सी, ये कुछ सेंस नहीं बनाता एक्चुअली। पर हमें लौटना पड़ेगा, ये सबसे बुरी बात है। आई थिंक मेरा जनरेटर मर चुका होगा अभी तक। मैं आया कहाँ पर से था, ये रैबिट का सीन मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसका क्या मतलब? इसको मैं थ्रो कर सकता हूँ? ऑलराइट, अभी भी मुझे फुटस्टेप्स आ रही है फॉर सम रीजन। एक ग्रेनेड दे दो भाई, एक ग्रेनेड। कितना कंफ्यूजिंग सा जगह है, पता नहीं मैं जा भी कहां पर रहा हूं। एक ओके नाइस, फाइनली भाई ग्रेनेड मिला, नाइस। मेरे सामने लेजिट कोई है बाय द वे। अच्छा एक सेकंड, मैं यहाँ से आया था राइट, तो मुझे अभी लौटना पड़ेगा, नाइस। तो अभी हम लोग यहाँ से जा सकते हैं, इसलिए शायद यहाँ पर ये सब रखा हुआ है। यह का काम कंप्लीट हो गया, उसको हम लोगों ने फाइनली मुक्ति दे दिया। पता नहीं ये बंदा नीचे था, खाता क्या था, इन लोगों ने शायद ये नहीं सोचा। मैं एक बात से नर्वस नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये बंदा था तो ये जिंदा था, तो हम लोगों को मारने के लिए कोई बड़ा मॉन्स्टर नहीं आएगा आई गेस। ये और भी कोई है मुझे लगता है, मेरा अंदर का फीलिंग कहता है, पर मुझे कोई दिखा नहीं है एक्चुअली। लेट्स गो, और हमें कोई जानकारी नहीं चाहिए ऐसे, लेट्स गो। बस एक दरवाज़ा था जिसे मैंने नहीं खोला, आई थिंक नहीं मैंने खोल लिया उसको। ये क्या है, शॉटगन से लिया, एक गन का एमो मिला भाई, फाइनली एक एमो मिला इस पूरे गेम में। देखो एक बुलेट लोड करो एंड देन हम लोग पिस्टल को पकड़ेंगे मेन वेपन की तरह। अगर मैं एमनीसिया रिवर्त की स्टोरी को याद करूँ, वो पर तास्ती जो है अल्जेरिया में गई थी, वहाँ पर एक कल्ट मिला था। आई मीन ये जो चीज़ है ये एक कल्ट का सिंबल है, वो पर एक गॉडेस थी एक अलग दुनिया का, जो कि बहुत ही एडवांस दुनिया था, पर वो दुनिया तबाह हो चुका था। गेम को सेव करो फर्स्ट ऑफ ऑल। एक सेकंड, यहाँ पर एक पेंटिंग था, पिक्चर था, मैंने जिसे मिस कर दिया। अच्छा ये बंदा जो है शॉटगन को फायर कर रहा था दरवाज़ा तोड़ने के लिए, तो मैं इसको दरवाज़ा तोड़ने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। वाह बहुत अच्छा एमओ का यूज़ है, एक एमओ मिला बाय द वे। ये लोग ऐसा दिखा रहे हैं जैसे 10 एमओ दे दें इन लोगों ने दरवाज़ा तोड़ने के लिए।
इस शॉटगन को जो है मैं सबसे डेंजरस सिचुएशन में यूज करूंगा जब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं बचता। ओ नहीं, हम लोग लौट आ चुके हैं ऊपर, लाइट चला गया हमारा, जिसका हम लोग देख सकते हैं रेड लाइट जल चुका है, तो हमें अंधेरे में लौटना पड़ेगा। ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, पर एटलीस्ट मेरा गेम थोड़ा सा पीछे सेव है। मेरे गन को रीलोड कर लेता हूँ मैं, 3 बुलेट क्या है मेरे पास, अभी एक और एक्स्ट्रा बुलेट होगा। 1 2 3 नाइस, एक फुली लोडेड गन, देख के थोड़ा सा अच्छा लगता है। Here we go again, मुझे ऑयल तो नहीं मिला, मेरे पास अभी बहुत कम ऑयल है, बट लेट्स सी मुझे और कितना काम करना पड़ता है। मैं बस अभी इस जगह को फोड़ के निकलूँगा। कोई है क्या? चुपके से निकलो, चुपके से निकलो, कोई जल्दबाजी नहीं। लाइट भाई प्लीज। नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, मेरे सामने से प्लीज भाग के मत आना, हार्ट अटैक आ जाएगा ऐसे। सब कुछ अंधेरा हो चुका है, वो पर लाइट चल रहा है, या फिर नहीं, लाइट अभी भी है एक्चुअली, लाइट नहीं है, पर लाइट अगर होता नहीं, लाइट नहीं है, ये लाइट हमेशा चलता है, अगर लाइट होता तो ये बुझता नहीं। सेफ, नाइस, काम कंप्लीट हमारा, हम लोगों ने जिसके लिए गेम को स्टार्ट किया था वो काम हमारा फाइनली कंप्लीट हुआ। अब जो है हमें जनरेटर को लास्ट टाइम के लिए एक बार फ्यूल करना पड़ेगा, रिफ्यूल आई मीन। शॉटगन को रखो, इसका कोई ज़रूरत नहीं, इसको भी रखो, डेटोनेटर हैंडल को भी हमें नहीं चाहिए। ऑलराइट सर, हम लोग अभी जाने वाले हैं, आपका भी सॉरी सर, आप यहाँ पर से नहीं जा सके जिंदा, पर मुझे जाना पड़ेगा। बाहर जगह हम लोग करेंगे भी क्या, लिटरली एक और अलग से जंग चल रहा है वहाँ पर। हम लोग फ्रेंच है ऑफकोर्स, तो हम लोग वर्ल्ड वॉर 1 में जीतेंगे, पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसके 20 साल बाद ही आएगा, पता नहीं इस बंदे का होगा क्या। गुड लक ब्रो। ऑलराइट, तो क्या करने वाले हम लोग, ये रैबिट भी हमने साथ रखूँगा, शॉटगन को भी लेके चलते हैं, एंड डेटोनेटर, डेटोनेटर हैंडल, डेटोनेटर और 3 फर्स्ट एड किट फॉर सम रीज़न। आई थिंक मुझे ये सब नहीं चाहिए, और गैस ग्रेनेड को मैं ले सकता हूँ, मैं जो है इसको लेता हूँ, एंड देन लेट्स सी। लाइटर मुझे नहीं चाहिए, सब कुछ यहाँ पर मैं रख के चलने वाला हूँ। ये सब लेने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। मैं लैम्बर्ट के एक बार उसको खोल के आता हूँ, लेट्स उस लैम्बर्ट के रूम से हमें क्या मिलता है। और हम लोग जनरेटर कौन करते हैं, मैंने क्या जनरेटर कौन किया था, नहीं किया था मैंने, ये पर लिटरली सारे लॉकर को खोल दिया, पर इसका लॉकर मैंने नहीं खोला था क्योंकि इसका कोड मुझे मिला नहीं था, 8730। नाइस, एक और शॉटगन सेल और एक नोट, लेट्स सी क्या नोट है। 12th July 1916। अच्छा, इसका वॉइस। अप अगेन इन द चैपल ट्राइंग टू प्रे बट माय माइंड इज टू अलाइव विद थॉट्स ऑफ द क्रेटर द रैबिट एंड दैट वाटर इट्स टेस्ट। अच्छा, एक सेकंड। एंड येट आई डोंट फील टायर्ड। इसने लिटरली वो पानी पी लिया भाई। इच द सेंस दैट देयर आर थिंग्स आई मस्ट डू, पर्पस, a bloody purpose higher than any of man's petty wars. 13th July 1916, morning. Everyone's talking about hearing scratching at the walls. Trombley even claims to have heard howls echoing through the barracks. I feel strange myself, can barely find the words to write. My hands feel so odd. What the fuck, boy? Gnarled. Literally bulbous. Like they don't belong to me. I hesitate to write this, but a thought keeps echoing in my head. A thought I must not act on. A bloody thought so seductive. It calls. It calls. ये भी पागल हो रहा था literally. It calls. 15th July 1916. 2 दिन बाद. Madness in the barracks this morning. Renard's dead. They say murder, but will not show us the body. A dream rises in my mind. Countless cruel eyes upon me. Must check on Henri. Wish he would wake. Could use a friend. हम लोगों के साथ हुआ क्या था तब? Remain unanswered.
18th July 1916. Blood on my hands. Blood on my hands. Blood on my hands. Their pain. I want more of it. I can hear Trombley now. एक सेकंड, ये मत कहना जो मॉन्स्टर है ये लैम्बर्ट है, लिटरली ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये मॉन्स्टर लैम्बर्ट होता है देन ये हमें अटैक, आई थिंक इसका दिमाग खराब हो चुका है मॉन्स्टर बन के। पर कोई भी उस पानी को पीने से इतना बड़ा मॉन्स्टर कैसे बन सकता है? ये क्या वो एमनीसिया रिवर्थ का चीज़ नहीं, ये सब कोई अलग चीज़ है आई थिंक, इसलिए इतना बड़ा मॉन्स्टर बन गया। एमनीसिया रिवर्थ में कोई इतना बड़ा मॉन्स्टर नहीं था, सब लोग गूल बनते थे, पर ये कुछ अलग है। बट जो भी है, मुझे अब निकलना पड़ेगा जिससे कैसे। अगर ये लैम्बर्ट होता है देन ये रैबिट जो है हमें उसको मतलब डिस्ट्रैक्ट करने के लिए काम आ सकता है। लेट्स सी, मैं इसको बाद में कभी यूज़ करूँगा अगर ज़रूरत पड़ता है तो। अगर लैम्बर्ट मुझे दिखता है तो मैं इस रैबिट को उसको थ्रो करने वाला हूँ। एनी वेज, डेटोनेटर हैंडल। नाइस, यह पर सब कुछ उड़ा के चले गए ऑफिसर्स हमें छोड़ के। इसके लिए हमें इतना मेहनत करना पड़ा बाय द वे। इस नाइटमेयर को पता नहीं ये बंदा कैसे भूलेगा, हमारा बंदा हेनरी आंड्री जिसे कहते हैं फ्रेंच में। लेट्स गो। क्या मुझे अभी कुछ करना पड़ेगा? मैं गेम को एक बार सेव करके आया मेरे लिए। चलिए सामने ये सेफ रूम है। और एक काम करते इसको लेते हैं एंड गैस मास्क को ले ही चलते हैं, पता नहीं किस काम आ जाए। मैं बस अभी लौटने वाला हूँ नहीं आई गेस। अगर एक सेकेंड, मैं जो है इससे बाहर निकल के एक वॉर में जाने वाला हूँ। पता नहीं कैसे एंड होगा ये गेम। क्या एंड हो जाएगा? नहीं भाई, बहुत जल्दी फूट गया। मुझे लगा था ये धीरे धीरे जाएगा कार्टून में जैसा होता था, पर बहुत साउंड हुआ बाय द वे। लेट्स गो, हमारा आज़ादी हमारा वेट कर रहा है। वेट, व्हाट द हेल। अच्छा, सामने का तो कुछ खुला नहीं, नीचे खुल गया। मुझे नीचे कैसे जाना, मतलब मुझे नीचे क्यों जाना? क्या मुझे नीचे जाना है एक्चुअली? पर मुझे नीचे क्यों जाना है, मुझे सामने जाना है निकलने के लिए। पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। मैं कहाँ पाताल में आ रहा हूँ देखो बस। यहाँ पर कोई आया था क्या? देख के लगता है एक माइनशाफ्ट है। आई थिंक नीचे भी इन लोगों ने खोदा था इसलिए नीचे का फ्लोर टूट गया। हाँ, यहाँ पर नीचे आए थे ये बंदे। पता नहीं यहाँ पर नीचे इन लोगों को क्या मिला, कौन सा और बंदा है। एक फ्यूल मैं नहीं ले सकता फॉर सम रीज़न। क्या मुझे नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए। मेरे पास 3 बैंडेज की है बाय द वे। इतना मैं डैमेज कैसे लेने वाला हूँ? नहीं भैया, अपन नहीं आ सकते ये बंदा। मैं पता नहीं कहाँ पर जा रहा हूँ। लिटरली ये मॉन्स्टर मेरे साथ है। निकालो भाई हेनरी को इस तरह से, इसको थोड़ा सा शांति दे दो। एक डायरेक्ट वॉर से बच के आया है ये, पर इसके साथ अभी ये हो रहा है देखो। अच्छा, मैं जो है अगर लैम्बर्ट से मिलने वाला तो मैं लैम्बर्ट को ये रैबिट दे दूंगा। नाइस, अच्छा आइडिया है। एक सेकंड, मैं जो है इस रैबिट को सेट करता हूँ। एक अलग दुनिया में जा रहे हैं देखो हम लोग। व्हाट द हेल भाई, ये पर हो क्या रहा था? एक सेकंड, ये पर ब्रिज टूटा हुआ है तो हमें सामने जाना पड़ेगा। लिटरली हम लोग एक अलग दुनिया में जा चुके हैं, आ चुके हैं। ये पर ब्रिज खुला हुआ है फॉर सम रीजन। ये भी कमजोर लगता है देख के। अच्छा एक सेकंड, मैं इसको तोड़ सकता हूँ राइट? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वेट, व्हाट। अच्छा लैम्बर्ट, एक सेकेंड, क्या मैं इसको गिरा सकता हूँ नीचे? ऐसा नहीं हो सकता राइट? एक काम करते हैं, मैं लैम्बर्ट को ये रैबिट देता हूँ, लेट्स सी क्या करता है। आ जा भाई यहाँ पर, अगर कुछ गड़बड़ होता है तो पता नहीं मैं करूँगा क्या यहाँ पर। ऑलराइट, तो अगर ये लैम्बर्ट हमें अटैक करने आता है तो मैं ग्रेनेड को मतलब ग्रेनेड ब्लास्ट होने में 1 साल लगा देगा। आई डोंट थिंक ये मेरा कुछ ज़्यादा फ्रेंडली है, देख के लगता नहीं बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है ये। रैबिट है, रैबिट है।
क्या मैं इसको गिरा सकता हूँ? एक सेकंड, लेट्स सी होता क्या है। नहीं नहीं गिरेगा ये, मैंने मिस कर दिया बाय द वे। भाग भाई भाग भाग भाई। एक सेकंड वेट। वेट एक सेकेंड। नाइस भाग गया। तो मुझे इसको मारना है क्या? एक ही बुलेट है मेरे पास, मरा तो नहीं ये, मेरे पास आ रहा है भाई। मैं कैसे कैसे बचने वाला हूँ ऐसे? गैस ग्रेनेड। मैंने अपने सारा बुलेट वेस्ट कर दिया पर ये फिर भी नहीं मरा। मैंने रैबिट दिया इसके ऊपर, उससे कुछ हुआ नहीं। इसने देखा एक्चुअली उस रैबिट को, तो ये लैम्बर्ट है आई गेस। मे बी ऐसा हो सकता है मुझे उस ब्रिज को तोड़ना था जब वो खड़ा था वहाँ पर। एक सेकंड के लिए उसने उस रैबिट को देखा। कैसे आना है यहाँ पर? मेरा हेल्थ भी कम है। एक सेकंड, एक काम करते हैं, हील करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ये क्या हो रहा है? ये मेरा वेट कर रहा है, देखो कमीना। यहाँ पर गैस है भाई, जल्दी आ जाए। मैं इसको नीचे उतार सकता हूँ इस ब्रिज को। इससे आएगा क्या? आ जाए जल्दी से। नाइस, मैं इसको खोल दूंगा। इसके साथ में क्या निकल सकता हूँ? आई डोंट थिंक मुझे निकलने देगा इतनी आसानी से। नहीं 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 खुलेगा। क्या काम से भाई मैं क्या? ओ माय, ऐसा काम नहीं चलने वाला, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। मेरे पास कोई एमो नहीं बाय द वे। ये मरता क्यों नहीं? हम लोग गिर गए तो क्या होगा? नहीं, ये पर मैंने गड़बड़ कर दिया फर्स्ट से ही। मुझे तो ऐसा जल्दी काम करना चाहिए था, मुझे इसको मारना है एक्चुअली। एक सेकंड, हम लोग बच गए एक्चुअली गिरने के बाद। व्हाट द हेल, मुझे गिरना था आई गेस। लास्ट में वो क्या चीज़ था भाई? अच्छा, मैंने कुछ देखा। ये क्या हो रहा है गिरने के बाद? हम लोग मर गए आई गेस। वॉच योर स्टेप। हाँ, हम लोग मर गए। तो ये बंदा लास्ट में मरा नहीं था आई थिंक। इतना ऊपर से गिरने के बाद कोई ऐसे ऐसे बैठ सकता है उठ के? नीचे कुछ और ही था, पर हमें उससे कुछ मतलब नहीं बनना चाहिए इन गेम डेवलपर्स के मतलब में। गेम ये बस सेव हुआ था। नाइस, ऑलराइट। तो हमें अभी पता है हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सो जल्दी से करते हैं। मुझे नहीं लगता ये मेरे दोस्त को भी बन सकता है रैबिट देने के बाद भी, तो मुझे इसको मारना ही पड़ेगा। पर एक चीज़ है, वो ब्रिज टूट गया जैसे कि आप लोगों ने देखा ग्रेनेड से। अच्छा, इस बार ये वाला ब्रिज टूट गया। ऑलराइट, रैबिट दे दो एक और ट्राई। वो आ रहा है हमारा बंदा। एक काम करते हैं, हम लोग एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन करेंगे। ऑयल डाल दो, ग्रेनेड हाथ में, ये नहीं ये वाला ग्रेनेड। आर वी रेडी? आजा भाई आजा भाई आजा भाई। वेट, आई मीन ये ग्लिच है, पर एक एक्चुअली मर गया। आई मीन मैं कंफर्म नहीं कर सकता। इस बंदे को हम लोग मार सकते हैं क्या? नहीं, सब कुछ टूट रहा है। भागो बस इस जगह से। मैंने एक एंशियंट मॉन्स्टर, नहीं लैम्बर्ट था, एक कोई एंशियंट मॉन्स्टर नहीं था। मेरे पास अभी फुल एमो है बाय द वे। सब कुछ टूट रहा है, बिखर रहा है, भागो इस जगह से बस। नहीं नहीं नहीं,
मुझे इसे वो अच्छे से देखना था एक्चुअली। ये किसका स्टैचू है? अबे छोड़ो, ये सब करने का टाइम नहीं। निकलो निकलो निकलो, ये इंसेंट जगह जो है कोलैप्स हो रहा है। वेट ए सेकेंड, हम लोग क्या बाहर आ गए उस जगह से? लिटरली क्या ये एंड है गेम का? हम लोगों ने उस मॉन्स्टर को एक्चुअली मार दिया, ये हो नहीं सकता। वो एक इमॉर्टल मॉन्स्टर था, पता नहीं। अच्छा आई थिंक गिरने से वो मर गया। वो कोई नॉर्मल जगह भी नहीं था, ऊपर नीचे कुछ था जिसको हम लोगों ने भी देखा। पर हेनरी का क्या होगा अभी? मेरे पास एटलीस्ट फुल गन ऑफ एमो है। नीचे सेम चीज़ है भाई, देखो कटे हुए बॉडी, ऊपर भी जैसा था बिखरे हुए बॉडीज। हाँ नीचे ऊपर सब कुछ सेम। हेनरी भाई लिटरली तेरा लक बहुत बुरा है। गन निकाल भाई। फ्रेंच है ये सारे। ओ नो भाई, जर्मन्स आ गए। क्या मैं गन को क्यों नहीं निकाल पा रहा? अच्छा ये एंड था, ये कैसे एंड था? मतलब हमारा बंदा मर गया लास्ट में। अच्छा ये एंड था आई थिंक। ऑलराइट, ये इस गेम का लिटरली एंड था। क्या हुआ लास्ट में? हमारा बंदा पकड़ा के या मर गया? आई थिंक पकड़ा गया एटलीस्ट, आई होप। उस मॉन्स्टर को हम लोगों ने ख़त्म कर दिया उस जगह के अंदर ही। वो मॉन्स्टर कोई और नहीं, लैम्बर्ट था जिसको। पर नीचे एक्चुअली हम लोग जब गिरे थे तब मुझे कुछ अजीब सा चीज़ दिखा था, एक रेड कलर का। एनीवेज गाइस, ये था एमनीसिया द बंकर का फुल गेम प्ले, मतलब लास्ट वीडियो। ये एक्चुअली बहुत अच्छा गेम था, लिटरली बहुत छोटा गेम था जो भी कहो, 2 या 2.5 घंटे का, बट बहुत अच्छा गेम था। ऑलराइट गाइस, ये है हमारा गेम स्टैट्स, गेम स्टैटिस्टिक्स। हम लोगों ने अभी 3 घंटा 15 मिनट में इस गेम को कंप्लीट किया। लॉन्गेस्ट टाइम बिटवीन सेव, 32 मिनट तक हम लोग सेव ना करके रहे थे, पता नहीं कब टाइम सेव। हम लोगों ने 35 बार सेव किया था, हम लोग 6 बार मरे हैं टोटल। 4 बार रैट, 4 रैट्स को हम लोगों ने मारा है। 23 बुलेट्स फायर किया है, 2 शॉटगन सेल्स फायर किया है लास्ट में जाके। ऑलराइट, बहुत अच्छा गेम था एक्चुअली। मुझे ऐसे और गेम्स को देखना है। अगर आपके पास कोई अच्छा गेम है आप सजेस्ट कर सकते हैं, मैं खेलूंगा उसको। एनीवेज गाइस, ये था एमनीसिया द बंकर का गेम प्ले। आई होप आप लोगों ने इसे एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। हम लोग ऐसे गेम्स खेलते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।